देखो दोस्तों, ताजमहल नहीं है ये, यहाँ पर तो गुफा आए हैं, आप देख सकते हो महल के अंदर अब हम। ये एक उसके नर्वस देख सकते हो, खड़ा खड़ा ओके है। उरा देख लो, उरा देखो, दोस्तों ये यहाँ पर बहुत मसाला थे। डीके फ्रंट वाला कैमरा करता होगा ये महाराज। कोकला में से की रहे की किधर रही कोकला में स्टेक रहे हैं पूरी भी दे रहे हैं हलवा हलवा भी दे रहे हैं। तो सेब भी टेक रहे हैं और आ जाओ बैठो। कड़ा बैठा उस अम्मी बड़ा पाया। अच्छा रसोई है, रसोई ने के नाम ने फोटो ना से फोटो हां ले तू हम दे और आए सारे ना फिर देखे तो फोटो खींच दे। देखो भाई फोटो खींच ले ताकि ये तो पहले लेती है ये वो चाकी है जो पहले भाई चून पीसे करते इसके द्वारा चून पीसा जाता था और वो छाप है जहाँ पर गेहूँ साफ करके आती थी वो छाप दिख रहा है वहाँ पर और आगे साई परिवार की स्त्रियाँ भोजन करती थी अपना। और ये जो खड़ी है ये दासी है इनकी और ये दासी है और ये जो इस परिवार में ब्याही हुई थी वो है और जो सबसे आगे बैठी है वो इसकी सबसे बड़ी वो बड़ी उसकी रानी है। यहाँ पर भाई हम चल पड़े हैं और ये गुफा है जो ये इनके छुपने के भी काम आती थी और इनको बचाते लड़ाई के समय इनको बचाती थी। ये सोफा देख लो भाई, ये आपको दिखाई दे रहे हैं ये सोफा है भी किस मतलब लीड ले लेने दो ना इसमें तार दे हमको नहीं आवाज आ रही और इन आलम के भाई ये तो बेड है और आपको कुछ नया दिखाएंगे। यहाँ पर जो वो दिख रहा है आपको वो बच्चों छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पर सोते थे वो दिख रहा आपको सामने सामने और वहां से परली साइड है वहां पर रानियां बैठती थी यहाँ पर राजे थे। चलो जो दिखा रहे हैं ये बाहर महल का बाहरी भाग है ये जो आपको अभी दिखाने जा रहे हैं ये बाहर का। यहाँ पर ये इतना ऊंचाई पर है यहाँ पर कोई सेना आक्रमण नहीं कर सकती। जे कोई सेना आक्रमण करने की कोशिश भी करेगी ना तो वहां से यहाँ लग गोली आने में आ ही नहीं सकती असल में तो। और जे आएगी नीचे फिर लगेगी नहीं इतनी तेज और यहाँ से नीचे बहुत तेज जल्दी से लग जाएगी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये पहाड़ थे और भी ऊंचे थे और ये नीचे फिसल फिसल कर फिसल फिसल कर छोटे हो गए हैं और ये पहले बहुत बड़े पहाड़ थे। ओ थमिए कर एक थमिए कितना बढ़िया सर पार कर इसको बता जा रहा है इस राजा ने भी इसको लड़ाई कर जीता हुआ है महल ये भी ये फिर लड़ाई हो गई थी इसमें कुछ ज्यादा सैनिक मर गए थे और फिर बाद में 1947 में इस महल में राजाओं को वो पाबंदी लग गई थी और ये महल सरकारी घोषित हो गया था। ये आपको तो दिखाई दे रहा है नीचे पार्क
यहाँ पर रानियां बैठती थी और ये चार पार्क है यहाँ पर रानियां बैठती थी और अपना अपनी बातचीत कर कर अपना दिन को डालती थी। पीछे दिखाई दे रहा है ये इससे बहुत छोटा किला है भाई और ये बहुत ऊंचाई पर बना हुआ किला है। ये आपको दिखाया जा रहा है ये किसका अमेरिका, ये नीचे दिख रहा है आपको जो किला ये अमेरिका है और ये किला यानी इसको ये विश्व में दसवां स्थान हासिल है इस किले को जो आप अभी देख रहे हैं। आपको आपको दिखाई जा रही है गुफा है ना जो सैनिक युद्ध के समय भागने के काम आती थी और ये आपको दिखाएंगे भी हम ये नीचे निकलती है भाई ये आप हम आप सबसे ऊंची मंजिल पर चढ़े हुए हैं जो किले की सबसे ऊंची मंजिल है और ये माना जाता है जयपुर की सबसे ऊंची इमारत है जहाँ पर ये किला बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी छोटी छोटी वस्तुएं दिख रही है जो नीचे है देखिए यहाँ पर ये आपको जो तालाब दिख रहा है यहाँ पर ये रानियों को युद्ध के समय भगा कर और वहाँ पर छुपाया गया था। आप देख भी सकते हैं वहाँ पर एक छोटा सा कुआ है और वहाँ पर नीचे वह सुरंग है और उस सुरंग से होते होते हुए और ये जयपुर से बाहर चली जाती है और बनवाई हुई थी ये इसी कई कई गुफा और थी। मैं मोहन विक्रम कैमरामैन के साथ आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ भाई साहब ये यहाँ पर कितनी ऊंचाई पर लगभग लगभग भाई 15,000 फीट पर है भाई उधर। ये आप देख रहे हैं जो नजारा विक्रम कैमरामैन के साथ दिखाया जा रहा है और ये भाई ये जो ये स्थान है ना ये रास्ते ये कहाँ पर जाते हैं भाई और ये वो कहाँ पर जाता है वो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा आप देख नहीं पा रहे होगे कैमरा के जरिए हम देख रहे हैं नंगी आंखों से सही हुआ है। और देखिए कितनी छोटी छोटी बस दिखाई जाएगी यहाँ पर ये किला भी कितना बड़ा भी निकाल दे ये जो सब लगा रहा पूरा को पूरा घोड़ा भी और ये ज्वाइंट है ये तीन किले यहाँ पर आपको वहाँ से तीन किले दिखाई देंगे और ये तीनों ज्वाइंट है इनके रास्ते तीनों रास्ते ज्वाइंट है आपको ये रास्ते भी दिखाई दे रहे होंगे ये आपको वहाँ से ये तीन रास्ते फटते हैं। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर जो नीचे है यहाँ पर राजे रानियां अपना बाथरूम लैट्रिन यहाँ पर होता था और ये आपको दिखाई भी दे रहे होंगे यहाँ पर लैटरिन बाथरूम करते थे और ये जो नीचे है वाले है ना यहाँ पर एक आपको वहाँ पर परली साइड तालाब है वहाँ पर और ये यहाँ पर आपको दिखाएंगे ये इधर आना भैया ये देखो ये इसके जरिए पानी को ऊपर ले जाता था ये आपको दिखाई दे रहे होंगे पाइप से ये आपको दिखाने जा रहे हैं यहाँ पर महल के ऊपर जाने का रास्ता है और यहाँ पर कुछ देखने योग्य भी चीजें दिखाई गई हम आपको चलिए यहाँ पर आपसे यहाँ पर दिखाते हैं ये जो रास्ता है ये ऊपर जाने का महल के ऊपर जाता है और ये हम आपको ले आए हैं यहाँ पर फिर से बाहर ले आए हैं यहाँ पर जो आपको ये नाल दिख रहा है ना इसके जरिए वर्षा पानी और नीचे एक बड़ा सा कुआ है जिसमें इकट्ठा हो जाता था और उसमें पाइपों की सहायता से मोटर की सहायता से उसको ऊपर निकाला जाता था और पीने के योग्य बना दिया जाता था। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं जो यहाँ पर खजाना था और अब इसको ढक दिया गया है और यहाँ पर हमने पहले और वीडियो देखा है कि यहाँ पर जो इतने बड़े बड़े सोने बॉक्स निकाले जाते थे और यहाँ पर खजाना है जो अब इसे ईंटों द्वारा ढक दिया गया है कि यहाँ पर जो ये बाद में बनाई गई है दीवार आपको यहाँ पर ईंटों से ये साफ दिखाई दे रखी ये प्लेन है और ये ईंट है यहाँ पर सीमेंट नहीं लगी हुई है। आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर अंदर हुआ उस तरफ को अंदर जाना मना और यहाँ पर ये राज ने नहीं बनवाया है यहाँ पर अभी पत्थर लगे हुए हैं यहाँ पर टॉयलेट और वह लैट्रिन वगैरह बनाए गए हैं और ये जो आपको दिखाई दे रहे ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये तोप है यहाँ पर तोप इस तरह से लगाई हुई है कि सामने वाले के छाती पाड़ दे कर ये गेहूँ और जो मिले होते हैं उसको खुल्लर उसको मिलाकर बाहर निकाल देते हैं और उससे जो यूं तो नहीं है
ये भाई ये तो कूलर है, और ये जो गेहूँ होते हैं ना उसको पीस पीस कर ये गेहूँ और जो मिले होते हैं उसको कूलर उसको मिले मिलाकर बाहर निकाल देते हैं, और इससे जो गेहूँ है वो खाने काम आती है और वो बढ़िया हो जाती है। ये भाई ये दिख रहा ना आपको, ये संदूक है और ये दिख रहा नहीं है ढोल है जो बजाने काम आते हैं, भगवान का नाम लेते हैं दो टेम उसके जिसमें ये दो ढोल ये देखो भाई वर्ल्ड पूरी बहुत बड़ी तोप सब है ये वर्ल्ड ही बहुत बड़ी तोप है भाई। इसका नाम है जय बाण। इसका नाम भाई जय बाण है भाई, तोप का नाम यह भाई विश्व की सबसे बड़ी तोप है भाई। देखो भाई इसे चक्के देखो कोडड़ है, देखो भाई ये देखो भाई गाड़ी को जा रहा है भाई। ये देखो भाई ये दो कबूतर बैठे हैं बड़ा, ये देखो भाई ये डब्बे मम को खा रहे भाई, ये देखो बंदे रमा आ चुके हैं भाई मम्मी इतना लगा दब मिर्च जड़े देखो ओगा कदनू तो खेलन दे भाई भाई नीचे नीचे कूड़ा कूड़ा जाना पड़ रहा है बहुत डूंगा तक आया गुफा तो। ये देखो भाई यहाँ यही गुफा भाई ये देखो भाई ये देखो भाई देखो भाई भट्टी के औजार भट्टियों में बनते थे देखो भाई ये भट्टी ये भट्टी के औजार भाई ये जो भट्टियां बनती थी और ये देखो पेंडे ये लकड़ियों का सांगड़ी है भाई देखो भाई ये। और चलिए और आपको हम आगे और दिखाते हैं सांगड़ा लकड़ियों के लोहार खाने के औजार है भाई देखिए चाबी पाना और कई प्रकार के और भी कोई औजार हैं। ये देखिए भाई ये क्या है हमको पता नहीं है अभी बढ़ाई के औजार खाती के औजार ये देखिए भाई बढ़ाई के औजार हैं ये भाई ये देखिए बिना टूटने वाली ये देखिए भाई ये बिना टूटने वाली रस्सियां है भाई ये हजारों सालों से ऐसे ही रखी हुई हैं अभी लग इन्हें कोई भी कुछ बालो बाका नहीं हो चुका है। खाने का सामान ये देखिए भाई लोहार खाने का सामान ये देखिए महाराज इसमें भाई वो रहते इसका महाराज के वो रहते थे सुवाईमान सिंह वो महाराज हैं यहाँ के। और ये देखिए चलिए आपको आगे आगे और कई चीजें दिखाते हैं भाई ओ भाई कौन देख तू फोटो खींच रहा बोला फोटो वाला ये देखिए भाई पूरा नया गला में था चलिए और आपको और कई आगे दिखाते हैं सामान। ये गुफा भाई ये गुफाएं हैं भाई जो ढकी हुई है अभी देखिए अच्छी तरह है देखा ये देखिए भाई इनमें चीनियां डलती थी ये देखिए भाई यहाँ के सभी जहाँ पर राजा महाराजा अपना विश्राम करने का काम करते थे ये भाई विभिन्न कटरा के तोप में और फूल करने के औजार हैं भाई ये कटर अच्छी तरह आप इनको देख सकते हैं देखिए भाई ये देखिए भाई तोपों का कारखाना तोप पूरा बनाए मॉडल पे
ये देखिए भाई गुफा यहाँ भाई ये भाई पुराने कुएं में देखिए ये गुफा बनी हुई है यहाँ से। यहाँ पर राजा महाराजा अपना सोना रखते थे। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए भाई पुराने जमानों की भट्टियाँ। ये देखिए आपको हम अच्छी तरह से लाइव प्रशासन दिखा रहे हैं। जमानों की ओदी ये देखिए भाई ये भाई हम पुराने जमानों की ओदियों में खड़े हुए हैं भाई। यहाँ पे आप इनको अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ आए हुए हैं। यहाँ पर बहुत खुश होकर सेल्फियाँ ले रहे हैं और बहुत से दोस्त हमारे थक कर बैठ चुके हैं यहाँ पे। और अभी हमारे दोस्तों में दोबारा से उत्साह पैदा हो गया है चलने का। पुराने जमानों की गुफाएं और ये देखिए कहाँ से निकली हुई है ये